नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम बीजेपी सरकार की योजनाओं और नीतियों का बखान करते नजर आते हैं। गोरखपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और गोरखपुर मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता से अपील करते नजर आए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, विकास कार्यों का जिक्र किया और जनता को ही सीधे लाभ के बारे में बातचीत करते दिखे। व्यापार के लिए, सुरक्षा और शांति अत्यंत आवश्यक है, उसकी पहली शर्त है। आज देश के अंदर एक विश्वास बढ़ा है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक रिफॉर्म हुए हैं। दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ने से आज वैश्विक बाजार भी भारत के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। इसका प्रभाव भारत की प्रति व्यक्ति आय पर, भारत के नागरिकों के जीवन स्तर पर पड़ा है। और अगर इस दिशा से हम देखें तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर आज अपनी एक नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। मुझे याद है आज से 25 साल 30 साल पहले क्या स्थितियां थी। गुंडा टैक्स वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था।